कि सारे काम सरकार करे ये जरूरी नहीं, संभव भी नहीं। समाज में अपनी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जो एक थर्ड पार्टी ऑडिट करे और जो इस तरह से रेटिंग करे, समाज की मान्यता की एक मोहर उस एक्टिविटी पर, कल कारखानों पर लगे। और ये सब नेमिंग शेमिंग के लिए नहीं बट इम्प्रूवमेंट के लिए है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और इसलिए एनर्जी रिसोर्स, एनर्जी यूज, रिसोर्सेस यूज एफिशिएंसी, रॉ मटेरियल टू डिलीवरी प्रोसेसेस, ऑल आर कवर्ड इन दिस रेटिंग। एंड यू हैव ऑलरेडी डन सीमेंट, पेपर, मर्क्यूरी, कोल, पावर, थर्मल। So these studies actually help government also in good governance. And if you are not a genuine rating agency, then people also realize, because I always find when they call for award ceremony, I generally refuse to go. Because in many places लोग अनेक तरह से अवार्ड पाने में महारत हासिल करते हैं, लेकिन this was a genuine exercise। और जिस तरह से रिपोर्ट निकला है on 42 parameters, you have evaluated all processes, all raw materials used, all finished product, and every aspect of complete life cycle as you said it। So this is very important। Isme mujhe sabse acha kya laga, you are doing rating for those who agree and even for those who don't agree। Now so much information is available in public domain, and there were two criterias, transparency or public perception, stakeholder perception, that is very relevant issues। transparency ko to mark unke gaye hi kyunki wo disclose nahi karna chahte, aur stakeholder perception bhi, agar sahi kaam karoge to sahi image hogi logo mein। the robust common sense is the best perception yardstick। बिकॉज आप कॉमन आदमी को पूछो कि ये आदमी कैसा है, वो कहते हैं अच्छा आदमी है, ये कैसा है छोड़ दो। यानी दे गिव यू करेक्ट जजमेंट। ऐसे ही कल कारखाने के लिए पूछो, किसी के लिए भी पूछो, दे गिव करेक्ट जजमेंट फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस। दैट्स हाउ परसेप्शन बिल्ड्स। तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा 14 में मोदी जी की सरकार आने के बाद, पहले ही मुझे एनवायरमेंट मिनिस्ट्री मिली, तब 2 सालों में हमने बहुत काम साथ में किया। और मैं मानता हूं कि सरकार और अच्छे स्वयंसेवी संस्था, अच्छे मतलब मैं अच्छा बुरा ऐसा इस तरह से नहीं कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि दोज हु बिलीव दैट यस वी हैव टू प्रोटेक्ट एनवायरमेंट and we have to ensure growth also, and both are possible hand in hand। aur iske liye bharat ki ladai duniya ke vishwa manch par ladni hogi ya bharat ke andar hame sare industries ko naye tarike se sensitize karna hoga। aur ye bhi batana padta hai ki bhai isme aapka fayda hai। और इसलिए चंद्रभूषण का अंतिम जो निष्कर्ष था वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि इंसेंटिवाइज करो तो लोग, अब ये बचपन की आदत है, चॉकलेट दिए बिना काम नहीं करेंगे। तो ये एक सच्चाई है।
मेरे पास ZLD का आपने जो दूसरा विषय दिया वो भी एक महत्वपूर्ण है कि लोग अगर वही जमीन में पानी पूरा गाड़ देंगे गंदा, तो बाहर तो कुछ नहीं गया लेकिन वो ग्राउंड वाटर को प्रॉब्लम करेगा। आई एम लुकिंग इन टू दैट एस्पेक्ट। बट एक मुद्दा है कि जीरो लिक्विड डिस्चार्ज के बहुत सारे दूसरे भी आयाम है, कोई पानी नहीं बाहर जाएगा ऐसा भी प्रोसेसेस में डाल सकते हैं, लेकिन जिनको संभव है वो भी सेक्टर शुरू में रेडी नहीं होते। जब हमने शुगर फैक्ट्रीज को ये एक बार लगाया, जब टेक्नोलॉजी आई, प्रूवन हुई और अफोर्डेबल है ऐसा पता चला, तो हमने लगाया, तो लगाया तो सारे शुगर फैक्ट्री के लोग हमारे पास आए डेलीगेशन लेके कि ये मत करो, ZLD कैसे संभव है, दिस विल किल द इंडस्ट्री वगैरह। लेकिन जो आए थे उसी में से एक ने मुझे फोन किया कि सर डटे रहो, ये करो, ये संभव है और इसमें कोई नुकसान नहीं है, देश का भी फायदा है और उनका भी फायदा है। ऐसा भी कोई मदद करता है ना, ये अच्छा है। तो हमने लगा दिया और ZLD लगाने के बाद अब अल्टीमेटली इट प्रूव्ड आफ्टर 2-3 ईयर्स इट्स नॉट जस्ट पेज बैक, इट्स प्रॉफिट एंड इट्स हेल्प्स एनवायरमेंट एंड प्रोटेक्ट्स एनवायरमेंट। सो वी हैव टू मूव अहेड दैट इनिशियल हिच इन द माइंडसेट इज ऑलवेज ए प्रॉब्लम, नॉट टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी कभी होती है नहीं होती है, लेकिन माइंडसेट पहले बदलना बहुत जरूरी है कि हमें अब रिसोर्सेस कम है। हमारे देश की जमीन दुनिया में केवल 2.5% है, 17% आबादी है, 17% पशुओं की आबादी है, उनको दोनों को जमीन और पानी लगता है और दुनिया का फ्रेश वाटर हमारे पास केवल 4% आता है। और इसलिए सब रिसोर्सेस की एफिशिएंटली उपयोग करें और दूसरे को हमसे तकलीफ न हो। एक सिविक्स नाम का एक विषय स्कूल में होता था, उसमें वो लोकसभा कैसी होती है, राज्यसभा कैसे होती है वो सिखाते ज्यादा। मुझे तो लगता है कोई मतलब नहीं, सिविक्स का एक ही मतलब है कि हमारे काम से दूसरे को क्या तकलीफ नहीं होनी चाहिए और तकलीफ न हो ऐसा मैं बिहेव करूं, दैट इज सिविक बिहेवियर। और इसलिए ये हमें काम करने की जरूरत है। हमने पेरिस के समय भी सुनीता जी और आपके संगठन और बाकी भी बहुत सारे संगठन हमारे साथ आए और भारत का एक ही आवाज में उठा। नहीं तो हमेशा ऐसा होता है कि सरकार एक भूमिका रख रही है, वहाँ उस देश के NGO दूसरी भूमिका रख रहे हैं। ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मेरा विश्वास है कि संवाद से सबको विश्वास में लेकर हम साथ जा सकते हैं, क्योंकि हम रीजनेबल है, वो चीज़ स्वीकार करने को तैयार है। आपका रेटिंग जो है और हमने सारे एमिशन स्टैंडर्ड्स, उसमें भी आप लोगों का सहयोग लिया था हमने कि एमिशन स्टैंडर्ड्स फॉर ऑल इंडस्ट्रीज क्रिटिकली 15 सेक्टर्स वी रिवाइज्ड अपवर्ड, और वो हमने किया। और उसके लिए भी मैंने एक नियम बनाया, यानी पॉलिटिकल मॉडरेशन क्या होता है, तो मैंने इतना ही कहा कि भाई आज दुनिया का बेस्ट क्या है तो 100 है। आज भारत का वास्तविकता कहाँ है इंडस्ट्री का पोल्यूशन और बाकी सब लेवल, तो 50 पे है। तो अब एकदम 100 करोगे तो संभव नहीं होगा। तो इंडस्ट्री को पूछो, सभी को बुला के, कि भाई आप कितना करने को तैयार हो। वो कहेंगे 65, तो हम करेंगे 75। इतना एक सिंपल थम रूल के साथ हमने काम शुरू किया और मुझे खुशी है कि होने लगा। 24/7 मॉनिटरिंग मशीन्स लगाने को बताए तो भी मुझे ऐसे ही डेलीगेशन आए कि संभव नहीं है, मिल नहीं रहे हैं, भारत में है नहीं, महंगे है, कुछ भी बोल रहे थे। लेकिन अब लगाए सबने, कोई ये नहीं हुआ। अभी मुझे नया फीडबैक मिलता है कि वो सही में कैलिब्रेट हुए हैं कि नहीं, ये एक देखने वाला।